अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं इकरा शहजाद। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। एमकेएम राबता कमेटी का कहना है कि बरतानवी नशियाती इदारे की डॉक्यूमेंट्री बददियानती पर मबनी है, कानूनी चाराजोई करेंगे। 9-0 पर कारकुनों के अल्ताफ हुसैन के हक में नारे। अल्ताफ हुसैन की जान को शदीद खतरात लाहक है। एमकेएम का ऐलानिया, मुत्तहिदा के कायद कहते हैं कि अपने और पराये उनके गिर्द साजिशों का जाल बिछा चुके हैं, बैनुल अक्वामी ताकतों के सामने सर नहीं झुकाएंगी। मोहनजोदड़ो में सिंध फेस्टिवल, सिंध हाईकोर्ट ने आसारे कदीमा की हिफाजत का हुक्म दे दिया। महकमा आसारे कदीमा की मुशावरत से तैयारियां की, तारीखी वर्से को नुकसान नहीं पहुंचेगा, बिलावल भुट्टो का ट्वीट। वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस लेने के बावजूद अद्वियात की कीमतों में 15% इजाफा, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी कीमतों के तायुन का फार्मूला बनाने में नाकाम। हुकूमत ने गवर्नर स्टेट बैंक यासीन अलमर का इस्तीफा मंजूर कर दिया। नए गवर्नर के लिए मुनीर कमाल, इकबाल अशरफ और अली रजा के नामों पर गौर। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट दोस्त मोहम्मद को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर कर दिया गया, सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, लाहौर एयरपोर्ट बंद, पिंडी भटिया तक मोटरवे पर सफर से रोक दिया गया। हेडलाइंस आपने देखी, अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट दुनिया न्यूज़.tv।